कानपुर में एक बार फिर से खाकी वर्दी पर दाग लगा है। कानपुर की एक युवती ने आरोप लगाया है कि दीपक मिश्रा नाम के सिपाही ने उसे शादी का झांसा दिया और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाकर उसका शोषण किया। पीड़िता के मुताबिक उसे जब पता चला कि आरोपी सिपाही की शादी है तो उसने एसएसपी से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सिपाही और उसके परिवार की रजामंदी से 2 साल पहले शादी तय हो गई थी, जिसके बाद सिपाही ने उसके साथ संबंध बनाए लेकिन बाद में दहेज की मांग कर शादी तोड़ दी थी। फिलहाल आरोपी सिपाही के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस वक्त कानपुर के एक एमएलए के गनर के तौर पर तैनात है। फिलहाल इस मामले में एसएसपी ने आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। मैंने इस बात को लेकर शिकायत की, जो मेरे एक वो पुलिस विभाग में एक सिपाही है दीपक कुमार दीक्षित, ठीक है, उसकी मेरी शादी तय हुई थी 2016 में। तब से उस बीच से लेकर जब तक मेरी हमारी एंगेजमेंट तिलक गोद भराई हुआ 2017 तक, इस बीच ने इसने मेरा काफ़ी शारीरिक शोषण किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पैसों को लेकर 29/9/2017 को शादी तोड़ दी, काफ़ी मारपीट भी की जाकर। उसके बाद कल मुझे पता चला कि उसकी आज शादी है जाके, और उसको कोई इसके खिलाफ इस बीच में कार्रवाई नहीं हुई, उसका नाम भी सब हटा दिया गया था। इसीलिए मैं यहाँ पे उसके नाम ही चार्जशीट में उसका नाम ही नहीं था। कहाँ शिकायत की थी आप लोगों ने? हमने सब जगह शिकायत कर दी, आईजी यहाँ पे सोनिया सिंह के टाइम पे हमने की थी जाकर, लेकिन मेरा कुछ उसका कुछ नहीं हुआ, उसका चार्जशीट से नाम ही हटा दिया गया, और मेरी हमने जितनी सीसीटीवी फुटेज वीडियो क्लिप दी थी सब हटा दी गई।